मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप सिंगल नहीं हो और किसी से बहुत ज्यादा वो वाला प्यार करते हो, तड़े वाला बड़क वाला एक बात पूछो, सच बताना धोखा मिला बिहार तो पर एक मकान चल जाएगा बन मारा तो एक मसाल जाए तू तेरा देख कौन मानता भाई कास्टिज्म कुछ रहा ही नहीं हाँ ये हम पता मिडिल क्लास लोग ही मानते हैं जो कि आजकल इज्जत का ढंडोरा लेके घूम रहे हैं बेकार में वो थोड़ा हाय लेकिन भाई लड़का कामयाब होना कर लेनी चाहिए हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई उभरते कलाकार और ललित हुड्डा भाई है हमारे साथ में जो कि बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है साथ साथ भाई यूट्यूब पर बहुत बढ़िया काम करा है मेरा भाई। तो भाई आज ये कलाकार भाई हम यहाँ पर जा रहे थे रोड पर गए तो पता लग गया भाई शूटिंग चल रही है गाने की तो भाई तब बात करेंगे भाई क्यों कौन से गाने की शूटिंग चल रही है कैसे क्या और भाई आगे कौन से गाने अपने मार्केट में आना लग रहे हैं। तो नमस्कार बड़े भाई राम राम भाई प्रीतम कैसे हो राम राम कर दो राम 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 दर्शकों को जो शेर मीडिया चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मेरी ललित हुड्डा की राम राम भाई सारे भैया ने। तो ललित भाई कौन से के गाने की शूटिंग चल रही है अपने भाई आज एक हमारा बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि सम्मी नागराज जी का प्रोडक्ट है और लोड माउजर आंख तेरी तू करती चाले शूट इस गाने की शूटिंग है जिसकी ये अदाकार हैं एक भाई है जो आकाश चैल वो इसमें मेल मोड लिंक कर रहा है। अच्छा और जो हमारी जो कलाकार हैं उनसे ही बात करेंगे भाई इस फील्ड में कैसे क्या आना हुआ कुछ इनके बारे में भाई पूछेंगे बात करेंगे तो थोड़ा हाँ उन्हें ना जान हाँ भाई तो नमस्कार जी नमस्कार एक बार अपना पूरा परिचय दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है सर्च करके देखना प्रियंका बोस नाम से। अच्छा तो इस हरियाणवी इंडस्ट्री में कैसे क्या आना हुआ आपका? बस सर ऐसे ही तुक्का सद गया। अच्छा सोचा नहीं था कभी कि इस लाइन में आऊंगी ना ही कभी शौक था बस ऐसे ही किस्मत में था। तो आप पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत? पूछ ले सर। तो आप कहीं पर जाते हो शूट के लिए कोई प्रपोज करता हो या कुछ भी ऑफर आया हो आपके लिए? सर ऐसे मैम आपको अच्छा लगाई ऐसे कुछ भी बहुत आते हैं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा क्यों लाइफ में और कोई है या कोई विश्वास करने के लायक लिया ना इस लाइन में? क्यों क्यों क्या कभी धोखा धक्का मिलाया कैसे क्या मतलब रिएक्शन रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कभी इस लाइन में मतलब कि आप पे प्रपोज या करा वगैरह कुछ? नहीं कभी नहीं कभी नहीं नहीं मैसेज आते हैं इंस्टा पे और मतलब लड़के भी बोलते हैं सामने फेस टू फेस बट कभी रिजेक्ट ही कर दिया दीदी जो बोली हुई है। हाँ जी कभी गंदे वैसे कमेंट आए हुए हैं किसी ने मतलब कोई रील अच्छी बनाई हो और उस पर गलत कमेंट कर दिया? हाँ जी करते हैं मतलब एक जैसे भाई बहन के साथ भी रील्स बना लो तो लोग बाग देख के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि आपका बंदा है या हस्बैंड है या मतलब फादर के साथ बना रखी उस रील्स पर भी बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं तो इसलिए हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता हम बस अपनी मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे और बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं। यहाँ तक आ चुकी हूँ क्योंकि ना ही तो मैंने कभी सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी पहली बार मैं खुद रोहतक आई हूँ इससे पहले कभी नहीं आई थी। अच्छा। नॉर्मल मैं घर में ही आती थी और पढ़ाई करती थी अपनी स्टडीज से ज़्यादा कुछ नहीं तो दीदी ने सपोर्ट किया मुझे कि वीडियोस बनाया कर ये किया कर तो दीदी के चक्कर में आज मैं इतने आगे बढ़ रही हूँ और मेरा भी सपना है कि मेरी दीदी भी आगे बढ़ती रहे। घर वालों ने परमिशन दे दी इसके बारे में? हाँ जी मम्मी ने मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी सिस्टर को मतलब ये बनाती थी ये जब नहीं बनाती ना तब भी मम्मा कहती हैं कि वीडियोस बना लिया कर और ये कर लिया कर भाई को भी मतलब घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया बट पापा को नहीं पसंद था ये सब वीडियोस बनाना लेकिन जब से उन्होंने देखा कि भाई वीडियोस अच्छी और हर चीज़ है इसमें मतलब तो फिर पापा ने भी हाँ बोल दिया उन्हें भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और हर चीज़। पापा मना नहीं करते कि लड़के मतलब कमेंट में गलत गलत मतलब मैसेज? नहीं पापा इतना देखते नहीं है ना। अच्छा। हाँ जी और दीदी ने कमेंट्स बंद कर रखे हैं जब से गंदे कमेंट आने लगे तो दीदी ने कमेंट्स ही बंद कर दिए। हाँ जी तो क्या कहना चाहोगे मैम मतलब जो लड़कियां हैं जो हरियाणवी इंडस्ट्री में या गानों में या फिल्मों में काम करना चाहती हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर वो देखो मतलब काम अच्छा है आओ आगे बढ़ो पर वो खुद पे डिपेंड होता है कि खुद को कैसे बचाएं लोगों का काम होता है पीछे से बुराई भी करते हैं गंदा भी बोलते हैं गलत तरीके से भी देखते हैं तो सब कुछ अपने पे डिपेंड होता है अब खुद सही रहो तो दुनिया भी सही रहेगी।
मैं तो यही चाहती हूँ। हाँ आजकल जमाना भी चेंज हो चुका है भाई, पहले जैसा नहीं रहा कि भाई ये नाचने कूदने वाली है, ये है वो सब चेंज हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में दुनिया अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना, लड़का हो या लड़की, उसको पहले बदनाम ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तब वो कामयाब हो जाएगा ना, कुछ अच्छा सॉन्ग आ जाएगा, हिट हो जाएगा, फिर उसके साथ सेल्फी लेने के लिए भी आएंगे। बिल्कुल, जैसे कि भाई उदाहरण है सपना चौधरी। हाँ। भाई शुरू में आई थी सपना चौधरी, उस पर गलत कमेंट थे, ठीक है, बहुत गलत कमेंट कर रहा है। आज वो स्टार है यार भाई, बिग बॉस में भी गई। प्रांजल को देख लो, प्रांजल अपनी अंजलि राघव को देख लो, बिल्कुल अजय भाई को देख लो, सबसे बड़े तो हमारे तो बहुत एग्जाम्पल है। सही बात, आपकी फ्रेंड नहीं बोलती है भाई मैं भी इसमें जाना चाहूंगी, ऐसे बोलती है आपके साथ में, बोली पहले तू आगे बढ़ जा फिर हमें भी ले चलियो। अच्छा। हाँ कभी कोई किसी सॉन्ग में और मतलब काम किया आपने? हाँ मेरे 10-12 सॉन्ग आए हुए हैं। अच्छा। प्रियंका बोस नाम से आप देख भी सकते हो सर्च करके। अच्छा। जरूर देखेंगे भाई और कमेंट भी करेंगे नीचे। तो क्या कहना चाहोगे ललित भाई आगे? भाई आगे यही है बस, अभी इस लाइन में आगे तो फिर काम तो करना ही है। और मैं ये नहीं सोचता कि भी मैं ही आगे बढूं, मेरे साथ जितने कलाकार हैं, जितने दोस्त भाई बंधु, ये सारी बहन लगा लो या फिर कलाकार लगा लो, सभी साथ इकट्ठे आगे बढ़ें तब मज़ा आता है। एक फैमिली की तरह काम करें, जैसे प्रियंका बता रहा है कि बचा के रखना है। देखो एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती है, इतना आपको भी पता है। बाकी हर कलाकार गलत नहीं होता, हर कलाकार सही नहीं होता, एक आध मछली होती है पानी में जो पूरे पानी को गंदा कर देती है, सब एक जैसे नहीं होते। तो वही है, अच्छे कलाकार हैं सारे। अपना हरियाणा इंडस्ट्रीज अब कितना ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब टॉप पे चल रहा है पूरे इंडिया में। हम सबसे पहले तो हरियाणवी कलाकारों को, हरियाणवी फ्रेंड्स को ये मुबारकबाद देते हैं कि हमारा हरियाणवी इंडस्ट्रीज आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इंडिया में नंबर वन पे चल रहा है। सबसे अच्छी बात तो यही है। कभी मतलब दिमाग में आया है भाई, हाँ मेरे पास की जो लड़की थी उसको भाई अच्छा बॉयफ्रेंड मिला और भाई उन्हें लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, ऐसे ये पता है तब अच्छा लगता है जब घर वाले भी राजी हो और अगला बंदा भी अच्छा हो तब। ऐसे तो नहीं, मैं करना चाहूँगा तो मेरे लिए क्या उदाहरण देना चाहोगे? बड़े मजाक करते हो, सोचा नहीं था ऐसा भी बोलोगे। तो उसमें उसके बारे में क्या करना नहीं चाहो? नहीं रिजेक्ट भाई, अभी तो रिजेक्ट करेगी, मतलब कैमरे आ गया था भाई यार कोई रिजेक्ट करेगी। ठीक है तो भाई कैमरे के पीछे ठीक है। नहीं वो तो फिर आग बैठी ना देखने वाली। फिर अपने परिवार को बताओ शादी अपने आप करा दे। भाई ललित की कहने की बात यह है, लड़का लड़की दोनों राजी होने चाहिए और सक्सेसफुल होने चाहिए और शादी कर लो ना। हाँ शादी कर लो, माँ बाप को बता के उनको भी बताओ। भाई ऐसा हो जाए ना, कास्ट भी जब मतलब हो जाए है कई बार, मैडम क्या कहना चाहोगे? तो प्यार इसी लड़की से हो जाए भाई, वो कास्ट भी सेम नहीं हो और भाई थोड़ा। हाँ ओ यार देखो प्रॉब्लम बहुत होती है तो कास्ट से तो ज़्यादा ही होती है। आजकल कास्टिज्म को भी कौन मानता भाई, कास्टिज्म कुछ रहा ही नहीं। मानते हैं सर। हरियाणा में मानने हैं, मानता हूँ, बट थोड़ा सा सक्सेस होने के बाद कोई कास्टिज्म को नहीं मानता। ये हम पता है मिडिल क्लास लोग ही मानते हैं जो कि आजकल इज्जत का ढंढोरा लेके घूम रहे हैं। बेकार में वो थोड़ा है, लेकिन भाई लड़का कामयाब होना कर लेनी चाहिए। लड़का कामयाब हो कर लेनी चाहिए तब भाई पता के है, सब की अलग अलग बात होया करे। जिसकी जो रिजल्ट चलन है वैसे चलाओ। और भाई देखो ये भी अच्छी बात बोली ललित भाई ने, भाई कोई भी ऐसा काम मत करो जो कि भाई घरवाला के विरुद्ध भी काम हो थोड़ा बहुत। नहीं भाई ऐसे नहीं, हाँ अगर कास्ट सेम नहीं है ना, थोड़ा घरवालों से डिस्कस कर लो या घरवाले मन जाने इस चीज़ ने कहा भाई ठीक है तो अच्छा रहेगा। और भाई जरूर ना लड़के चल जा काम भाई जितने देख लाएंगे। तो क्या कहना चाहोगे मैम इसके बारे में आगे भाई, लड़कियों के बारे में क्या बोलूं? लड़की गुणखरी है भाई, नस काट लेंगे गुणखरी लड़कियां देखिए, मतलब नस भी काट लेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले होते थे लड़के भी आ तक काटते थे यहाँ पे भी नाम वगैरह, जो कई बार ऑर्डर लगवा लेते, पूजा लगवा कुछ भी लगवा लेते, एक्स वाई जेड बाद में मिटवाते भी है जब कोई और मिल जाती है। जैसे कि एन हो गया मेरा, जैसे कि भाई एन है तो कोई एम नाम की मिल गई तो एम लगवा दिया इस तरीके से। ऐसे टैटू वाले के पास जाओगे भैया एन काट के एम कर दो। कई बार देखे ऐसा। हाँ मेरे को पता है उस उम्र में इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिली अपने घर से, जिस उम्र में बच्चे गली में खेलते थे। मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ और 4-5 साल से ना बहुत फ्रीडम, मेरे 90% लड़के ही दोस्त होंगे, 10% ही लड़कियाँ होंगे, क्योंकि लड़कियों पर मेरे को विश्वास नहीं है अपना। आप मान गए इस बात ना कि भाई लड़कियाँ धोखेबाज हुए हैं?
हाँ होती हैं पता है, नहीं सब नहीं होती, सब नहीं होती, मैं सबको जज नहीं कर रही हूँ, सब नहीं होती, लेकिन कुछ अच्छी भी होती हैं, हैं कुछ लड़कियाँ जो 10% वो बहुत अच्छी हैं मेरे लिए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और जो लड़के होते हैं ना, आप लड़कों पे एक बार विश्वास कर सकते हो। तो मम्मी पापा, मेरी मम्मी का यही कहना है, लड़कियों पे बंदिश लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी बंदिशें लगाओगे उतने ही उनके पंख घर में निकलते हैं। तो जिसे जो करना है ना, आप उसे 7 ताले में भी रखोगे फिर भी वो करेगा, इससे बेटर उसे फ्रीडम दो, अपनी लाइफ एंजॉय। या कि मतलब कि गुणखरी बार बार सुनना मिल रहा है भाई, जो लड़कियां हैं वे धोखेबाज हो जो हैं, लड़के मतलब मजबूर हो जाए हैं, इसलिए क्या है सर बच्चा जॉब में दे दे। हां ये लड़कियां भी धोखेबाज नहीं होती, लड़के भी होते हैं। अच्छा और क्या, जो उनको कोई और सुंदर मिल जाती है तो उसके पीछे होते हैं। अच्छा, और जैसे कि लड़कियां भाई गणखरे बंदे भाई बोलते हैं भाई, जो लड़कियां भी पैसे के पीछे ज़्यादा बाजती है। आप हरियाणा में तो हमने ये सुनना मिला भाई लड़की धोखेबाज हुआ भाई, तो ऐसा मिला लड़कियों पे कर रखा है, गलत बात है सर, गलत बात है। लड़कियां धोखा देती हैं ना, कभी ये नहीं बताओगे कि लड़के भी धोखा देते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं दूसरी बंदी मिलते ही, ये चीज़ भी तो एक्सप्लेन करो आप। दिल्ली में तो आए दिन के केसेस है, शादी लव मैरिज करने के बाद 1 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। लड़कियों को ज़्यादा बोलते हैं भाई, जो लड़कियाँ हैं ना वो ज़्यादा। लड़कों का काम क्या है आप ये बताओ, लड़कों का क्या काम है? अब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो बैठ के, ठीक है, नहीं आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो आप भी तो, आप भी तो बोल रहे हो ना, तो आप लोगों का काम ही यही है, ठीक है। आप हो गए चाहे सिंपल लड़के, वो भी सामने बैठा है ना कोई भी हो, वो लड़कियों को ही बोलेंगे, वो अपने साथ के दोस्तों को जज नहीं करेंगे, चाहे उसने कितनी लड़कियों को धोखा दे रखा, उसके लिए वो लड़की गलत है, लड़का कभी गलत नहीं होता, तो इस चीज़ को मत बोलो आप। हाँ भाई ठीक है भाई, ना लड़की गलत होती ना लड़का गलत होता है उनका टाइम और उनके हालात और विश्वास भी भाई। और दूसरी बात हो है, सबसे बड़ी बात होती है यार, देखो पहली बात तो ये लफड़े मत करो, सिंपल साफ सुथरी बात है। और अपनी मीडिया है ना आजकल, यह भी न चढ़ाओ भाई। सबसे बड़ी बात देखो, जैसे आपने ये क्वेश्चन रेज किए, चलो मैं मान हूँ कि भाई वो हाथ काट ले है, ये कर ले, एक कहावत है, नशेड़ी ने तो नशा करना है। नुका का भाई आज क्यों पी, नुका भाई आज मेरी फूफी मर गई थी, मैं तड़के क्यों पी, बोले आज यार हमारा कुत्ता का है ना कोई लठ मार गया। अच्छा, इस बनने मतलब उन्हें तो बनने करने से भाई, उन्हें तो करना ही है। एक ट्रेंड नहीं देखे हमारे मतलब इंस्टाग्राम पे, जिसने देखे भाई वो है मतलब आशिक बना रहा है, वो शायर बना रहा है, अरे इसी तरह वीडियो बनाओगे मतलब कोई एनवायरमेंट है। पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़ के ना, मतलब पब्लिक पागल हो चुकी है सोशल मीडिया के पीछे, ये ट्रूली फेड है कि आपको बिलियंस में लोग जो इंस्टा मौज यूट्यूब चला रहे हैं, दिन रात इंसान फ़ोन यूज़ कर रहा है, डे बाय डे हमारा ये 5G 6G क्यों आ रहा है, क्योंकि पब्लिक सोशल मीडिया के पीछे पागल हो चुकी है, और जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है पब्लिक वो ही कर रही है, उसे ही फॉलो कर रही है। हम अभी कोई चीज़ ट्रेंड में करते हैं तो वो ट्रेंडिंग हो जाता है, मतलब ट्रेंड बना दिया भाई, मतलब कि धोखा देगी भाई, ऐसा होगा, ये होगा, ये ज़्यादा चल रही है। सर मुझे लगता है आपको पक्का धोखा मिला, पर बार यही बात नोटिस किया, फिर भी मतलब कई बार है ना ये सवाल मतलब कि आते हैं, हाँ भाई जो हमारे आसपास की चीजें होती है ना उनको मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ। एक बात पूछो, सच बताना धोखा मिला? नहीं, धोखा नहीं मिला, जिस तरह प्यार करा उससे तो शादी हो रही है। अच्छा, बोला था ना ऐसे क्वेश्चन मत करना, नहीं 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 मतलब भाई कामयाबी होनी चाहिए। हाँ बस लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ। नहीं आप सिंगल नहीं हो ये भी पता है मुझे, नहीं हो पता है अभी मुझे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप सिंगल नहीं हो, और किसी से बहुत ज्यादा वो वाला प्यार करते हो, तड़े वाला पड़क वाला नहीं, अभी शादी शुदी कुछ हो नहीं है, किसी से होगी अब तो हो गई ना, अब क्या रोना, क्या शादी होगी अब तो, अब हाँ शादी होगी, जब बुलाऊ नहीं गलत भाई ने, चलो भाई होगी तो भी बुलाइए ना, तो भी बुला लिए और ना कोई अपन बिहार तो लिया हुआ है अब आपको कोई नहीं मिली बिहार तभी गए आ रहे और यौन में इतनी लड़कियां हैं भाई खातर कहूं अगर आड़ा हरियाणा में कोई ना पसंद करे तो भाई भाई ना बिहार तो दवा के ले आवांगे ले भाई पक्की होली भाई बिहार तो पर एक मकान चल जाएगा बन मारा तो एक मसाल जाए तू तेरा देख चलो क्या कहना चाहोगे बस जी धन्यवाद इनको सपोर्ट करना इनके चैनल को भी लाइक वाइक कर देना है ना अच्छा फिर ऐसे मरे मुंह से क्यों बोल रहे हो ऐसे ऐसे बोल रहे हो यार थोड़ा खुल के बोलो अच्छा लगे हमारे दोस्तों ने क्या पता करेंगे या नहीं करेंगे अच्छा थोड़ा सा वो ना कर देंगे इतने ही पैसे दिए थे सर बोलने के लिए आपने तो इतना ही बोलूंगी अच्छा चल थोड़े और बढ़ा दिए मैंने एटीएम करो सही बात करियर पिछला मेरा साथ ही कर देगा इतना अच्छा भाई इनको सपोर्ट करना अच्छे से लाइक वाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना।
तो अगले सॉन्ग में मतलब कभी देखने को मिलोगे बहुत जल्दी सर। तो आप क्या अभी बस ठीक है हरियाणा में लग गया जी हाँ लग गया क्यों नहीं लग दवा दे मैडम रूम राम कमरा कैमरा यहाँ पर लग जा रही नहीं अच्छा लगा गाना गुणा आवे तो अपना ले तो भाई यहाँ पे नहीं अच्छा लगा हरियाणा अच्छा हाँ है ना घर पे लेकर जा रहे थे अरे घर पर पूछे कैसे पतवा दिए ना उपले बनवाए इसने तो बनाए हैं अच्छा गांव का गोबर खाया अच्छा हाँ चलो भाई कुछ तो मतलब भाई नके में दिल्ली में रहे बेचारिया ने ज्ञान कौन था अरे भी न सीखेंगी तो काम होगा लड़का भी ढूंढना लग रहा है हमें इसलिए रख रहे हैं रोहतक का ही मिलेगा हमें अच्छा अच्छा हरियाणा का ही लेके जाएंगे हम देख सकते हो अच्छा खासा है आप भी नहीं अपने आप से ठीक है दोस्तों ठीक है चलो थैंक यू सो मच भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दोबारा मौका देना हमें आपकी चैनल बिल्कुल भाई जरूर मिलेंगे भाई दोबारा ठीक है अभी हम सॉन्ग शूट कर रहे हैं सारे दर्शक हैं मेरे भाई हमारा नया सॉन्ग आ रहा है लॉर्ड माउजर जिसकी ये हमारी कलाकार भी हमारे साथ हैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट है एक बार देखना जरूर अगर अच्छा लगे तो ही लाइव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अगर अच्छा ना लगे तो मत करना ना अच्छा ना लगे तो भी कर देना मुझे तो भी कर देना भाई मैं कह दूं यार हम इतनी मेहनत जो करते हैं तो एक लाइक तो बनता है पूरा पूरा दिन धूप में है ना सर समझते हो ना रात दिन नींद भी पूरी नहीं होती टाइम से खाना भी नहीं खा पाते तो एक लाइक तो कर दिया करो यार क्या जाता है बिल्कुल बिल्कुल यार भाई वीडियो ने शेयर कर दिया और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी फिर भाई दोबारा दे एक धमाकेदार इंट्रो ले आऊंगा तीनों के साथ जो हमारी मैम बैठी हैं हमारी मैडम बैठी हैं हमारे हरियाणा की शहन आन बान शहन बैठी हैं तो उनके साथ दोबारा जुड़ेंगे तो भाई इतना ही तो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।